अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राजपूत डॉक्यूमेंट्री। आज हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखकर यकीनन ज़रूर इंजॉय करेंगे। और अगर आप फ्यूचर की गाड़ियों से इम्प्रेस होते हैं तो फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारी कंपनियों ने अपनी फ्यूचर की गाड़ियाँ मुतारफ़ करवा दी हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं गाड़ियों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नंबर एक पर आता है पैडल पब। अगर आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है तो फिर आपको यह पैडल पब बहुत पसंद आने वाला है। पैडल पब बिल्कुल अपने नाम के जैसा है, एक पब जिसे आप रोड पर घूमता फिरता देखेंगे। अगर आप ड्रिंक वगैरह पीने के शौकीन हैं और दोस्तों के साथ घूमना फिरने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए यह यूएसए का पार्टी पब परफेक्ट है। लोगों को पैडल पब का आइडिया इतना अच्छा लगा कि इसकी पूरी कंपनी ही बन गई। अब इस पैडल पब को 40 से ज़्यादा शहरों में बना रहे हैं और पूरे यूएसए में 200 से ज़्यादा पैडल पब मौजूद हैं। आप भी अपनी छोटी मोटी पार्टी के लिए पैडल पब को मंगवा सकते हैं। पैडल पब में हर सीट पर पैडल मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो पैडल को भी चला सकते हैं। नंबर दो पर आता है टीएमसी डुमोंट। दोस्तों, बताया जाता है कि टीएमसी डुमोंट फ्यूचर में आने वाली बाइक है। दोस्तों, इस बाइक को एक रिटायर्ड ड्राइवर तरसो मार्क्स ने बनाया है। टीएमसी डुमोंट को बनाने में पूरे 15 सालों का अरसा लगा। तरसो मार्क्स ने इस बाइक में हवाई जहाज का 60 का इंजन लगाया है, जो इस बाइक को 300 हॉर्स पावर की स्पीड प्रोवाइड करता है। दोस्तों, क्योंकि इस बाइक में हवाई जहाज का इंजन लगाया गया है, इसलिए इसमें फ्यूल टैंक भी काफ़ी बड़ा दिया गया है और इसमें बड़े बड़े 36 इंच के खाली टायर भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस तरह की एक बाइक जिसका नाम रेड बर्न था, पहले भी डिज़ाइन की जा चुकी है, जिसमें 150 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया था। इस बाइक के बड़े साइज़ और फ्यूल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मेरे ख्याल में इन लोगों के फ्यूचर का आइडिया कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें फटाफट कमेंट करें। नंबर तीन पर आता है एल कैट। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये एक क्रूज जहाज जैसे लगता है, लेकिन आपको एल कैट बहुत पसंद आने वाला है। ये जहाज़ मिलिट्री की मदद के लिए बनाया गया है। इस नोखे जहाज़ को बनाने वाली CNI नामी फ्रांस की एक कंपनी है। ये जहाज़ 100 टन से भी ज़्यादा का वजन उठा सकता है, जो कि आम जंगी जहाज़ों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। एल कैट समुंदर के बीचों बीच भी पूरी तरह से घूम सकता है। इस जहाज की बॉडी 2 हल्स के बीच में रहकर ऊपर नीचे होती है, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद से काम करते हैं। एल कैट बहुत तेज रफ्तार रखता है। जब आप लैंड करते हैं तो इसका डक नीचे हो जाता है। इसकी वजह से सामान लाने और ले जाने का काम बहुत आसान हो जाता है। नंबर चार पर आता है वेलो मेट्रो। दोस्तों, ये एक तरह की मोटर बाइक ही है, बस सिर्फ इसमें आपको धूल मिट्टी और बारिश से बचाने के लिए कैबिन का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको बाइक चलाना पसंद है तो यकीनन आप वेलो मेट्रो के दीवाने हो जाएंगे। ये 3 पहियों वाली बाइक आपको एक छोटी गाड़ी होने का एहसास देती है। दोस्तों, ये सोलर पावर पर चलने वाली गाड़ी 1 घंटे में तकरीबन 32 किलोमीटर तक चल सकती है। इस गाड़ी में शॉपिंग बैग के साथ साथ एक कप होल्डर भी दिया गया है। दोस्तों, आपको ये कमाल की बाइक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नंबर 5 पर आता है ओडी AI ट्रायल क्वाट्रो। ओडी ने एक बहुत ही कमाल की गाड़ी मुतारफ करवाई है, जो कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम, स्टील और ग्लास से बनाई गई है। दोस्तों, इस कार में एडवांस टेक्निक के टायरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को फुल कंफर्ट के साथ चला सकते हैं। बताया जाता है कि यह गाड़ी 50 सेंटीमीटर गहरे गड्ढों से भी आराम से गुजर जाती है। दोस्तों, इस कार की स्पीड 435 किलोमीटर पर आवर की है। इस कार को कंपनी ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर हाईलाइट कम भी हो जाती है तो इस गाड़ी के साथ 5 ड्रोन आते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, और ये ड्रोन गाड़ी के मॉनिटर के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।